13 किलोमीटर का पैच है बस। एंड टू एंड देखूंगा मैं, अंत तक पहुंचूंगा। हाँ नहीं सर, यहाँ से आपने कहा था ना 20-20 सर, 3-3 खोदोगे। चाहते हैं आप इसमें ये बेंटोनाइट यूज करें। सर बेंटोनाइट जो है ना, जैसे सपोज अगर ये लूज मिट्टी है ना सर, ये लूज मिट्टी है, मैं इसको मैं ड्रिल करूंगा ऐसे करके, तो क्या होगा ये मिट्टी जो है ये लूज है, इसके अंदर चली जाएगी, सैंडी है। ये बेंटोनाइट सॉल्यूशन आप यहाँ पर डाल देंगे तो बाहर से जो मिट्टी उठी जो अंदर, कहाँ डालेंगे इसके अंदर रहेगा। हाँ वो इसी में जाता रहेगा, वो टाइट करेगा। तो अभी साइट पे क्या काम कर रहे हैं, इसको तो छोड़ दिया हमने, जाम हो गया है और सर सुबह से केवल सर 2 इंच चला सुबह से, मतलब जाम हो गया मतलब हार्ड रॉक हो गया। इसमें ये है नीचे कहीं बोल्डर्स वगैरह आ गए, अभी और खोदने कैसे निकाल सकते हैं फिर से इसको। नहीं इसको तो अभी ऐसे रखे रहने देंगे सर, अभी ये नीचे इसको खोदते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ बेंटोनाइट। वो पाउडर आ रखा है, उसकी स्लरी जाती है इसके साथ साथ, वो खोदता रहेगा, बेंटोनाइट अंदर जाता रहेगा। ये जो काम कर रहा है ना सर, इस साइड के मिट्टी का बेंटोनाइट करेगा, वो काम बेंटोनाइट करेगा, ऐसी बना देगा ऐसी आउटर लेयर। हाँ वो बना, वो फिल्म टाइप का बना बनाता है, फिर खोदते रहेंगे। हाँ है वो बेंटोनाइट, ये है कट्टा, बोल दिया सर ये दिस इज दी पाउडर, इसका तो अभी डेमो नहीं हो सकता ना, यहाँ नहीं हो सकता सर, कुछ तो दिखेगा इसमें, कुछ दिखेगा पता तो चले। नहीं सर, सर ये थोड़ा सा ना बिल्कुल स्लरी, सर ये जो पाइल फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन में यही बेंटोनाइट ही यूज होता है। ये आ गए पानी वाले आ गए, ये रहता। अरे चेतन पानी मंगाते क्या अपने, इसमें डालना है कि पंक्ति जैसा कर रहे हैं सर, मैं कर दिखाता हूँ। नहीं वो तो सॉल्यूशन बनाएंगे। अच्छा आपको पता है पहले से, गुड। ये तो मोटा सा डंडा ही ले लीजिए, अभी थोड़ा सा सही देना, वो देना जरा पाइप वाइप देना जरा कुछ। क्या चाहिए पंक्ति जी आपको, पाइप सरिया जैसे ये है ना सर, जैसे ये सैंड है तो बेसिकली सैंडी स्ट्रेटा होता है इनका। अच्छा स्ट्रेटा सैंडी है, अगर ये सैंडी स्ट्राटा होता पूरा 100% तब तो इनका ये प्रॉब्लम नहीं आता, जहाँ इनका केसिंग फंस रहा है। केसिंग इसलिए फंस रहा है सर, वहाँ नीचे जो है कुछ पत्थर वत्थर आ गए, कुछ बोल्डर्स आ गए होंगे, बोल्डर्स। अब जैसे ये है ना सर, ये मैंने अंदर डाला, सपोज ये मेरा ऑगर है जिससे ये ड्रिल कर रहा है, अब अगर मैं इसको हटा दूंगा ये मिट्टी, ये सैंड चला गया ना सर, यहाँ कर देगी उसको। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये ऑगर है तो इसमें फिर हम यहाँ से जो है ये स्लरी डालते रहते हैं इसमें, तो फिर जब मैं इसको निकालूंगा तो यहाँ पे इसका पूरा होल दिखाई देगा आपको, ये इसी डाया का, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा वापस मिट्टी नहीं आएगी ना। हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन उससे डेप्थ कैसे बढ़ेगी नीचे की? नहीं नहीं नहीं, गहराई कैसे बढ़ेगी? नहीं नहीं सर, डेप्थ नहीं, ये अंदर जाता रहे, ये ऑगर है ना सर, ये अंदर जाता रहेगा मिट्टी बाहर निकालते, हार्ड रॉक लग जाएगा, ये भी कैसे जाएगा अंदर? नहीं तो ये ऑगर है ना सर, ये तो बाहर निकालेगा ना उसको, कट करेगा। एक मिनट एक मिनट, केस केस नहीं जा पा रहा सर। हाँ हाँ तो मैं हम आपको चिट्ठी भेज देते हैं, ठीक, पूछ रहा हूँ उनसे, ठीक है, डालो इसमें चिट्ठी भेज देते हैं, थोड़ा डालना हल्के हल्के, हल्के हल्के चारों तरफ बना दो, कोई दिक्कत। ये हो गया, लिख देना वार्ता के क्रम में भी लिख देना, इफेक्ट नहीं जाएगा पता नहीं चलेगा ना, उसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा, बस इसके अंदर भी डोलम, ये सोल्यूशन गया होगा, चला गया छेद में, अभी एक बार डाला है बस, ज़्यादा नहीं डाला। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, सॉलिडिफाई किया इसने,
ये वो कर मतलब अब यह है कि बाहर से जब ये सोल्यूशन नहीं डाला था सैंड इतना लूज है वो पूरा अंदर जा रहा था। केविन नहीं करेगा ये सर, मतलब केविन नहीं करेगा, वो केविन नहीं करेगा। तो अब या तो इस चीज के लिए यह है या तो हम बेंटोनाइट ले या फिर हम केसिंग डालते रहे इसके ऊपर से। नहीं मैं तो आपसे ये पूछ रहा था ना, अगर ये ही मान लो ये हार्ड रॉक लग गया होता तब क्या कर सकते हो? तब कुछ नहीं कर सकते ना। ये जो ऑगर जो है ना सर, ये तोड़ देगा हार्ड रॉक, ऑगर जो है इसको तोड़ देगा, हार्ड रॉक को तोड़ेगा ही तोड़ेगा ये सर, ऑगर इसको तोड़ देगा। लेकिन सपोज अगर ये केसिंग है, केसिंग के नीचे सपोज अगर ये अच्छा केसिंग तो अंदर जा ही नहीं सकता, केसिंग जो है ना सर, सपोज अगर ये आ गया, सपोज ये पत्थर आ गया ये छोटा सा, तो फिर इस पत्थर को फिर निकालना पड़ेगा। समझ गया, आई गेट कॉट योर पॉइंट, केसिंग की yes, किनारी जाने। लेकिन इस सॉल्यूशन से कितनी लंबाई तक जा सकते हैं उसकी भी एक लिमिट होगी ना? नो सर, ये केसिंग तो ये तो पूरा जाता रहता है, ये 20-25 इस सॉल्यूशन से हम कितनी गहराई तक अराउंड 20-30 मीटर्स तक बड़े आराम से जा इस सॉल्यूशन से। यस अच्छा, अराउंड 30 मीटर्स तक हम जा सकते हैं इसका बेसिकली एम। अभी जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना सर, मैंने अभी ये जो सोल्यूशन है मैंने साइड में डाला, फायदे से साइड में ना जा करके वो इसके अंदर जाता है और भी आसानी से चला जाएगा फिर। हाँ, जब जब सपोज ये ऑगर है ना सर, ये ऑगर जैसे ये ड्रिल करता रहे ऐसा घूमता रहेगा साइड, तो यहाँ पे हम इसका पाइप से हम इसको डालते रहेंगे, यहाँ पे डालेंगे तो वो ज़्यादा और इफेक्टिव रहेगा। अभी तो जैसे ये लूज है ना सर यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा ये, लेकिन बनेगा ऐसी। समझ गया, अच्छा डेमो दिया आपने, वेरी गुड।